दोस्तों, भारतीय रेल एक ऐसा माध्यम है जिससे हर रोज लाखों की संख्या में लोग सफर करते हैं। रेल अमीर गरीब सभी के लिए यातायात का बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण साधन है, जिसमें हर वर्ग का व्यक्ति अपनी सुविधा और बजट के अनुसार सफर करता है। लेकिन कभी कभी ये ट्रेन भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाया करती है, और जब भी कोई ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होती है तो जल्दी से जल्दी प्रयास किया जाता है कि ट्रेन के अंदर फंसे यात्रियों को बचाने का, और इस काम में प्रशासनिक लोगों के अलावा स्थानीय लोग भी काफी मदद करते हैं। लेकिन रेल के इतिहास में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं जिसमें किसी भी यात्री को बचाया नहीं जा सका था, और आज के इस वीडियो में हम आपको बरसों पुरानी लगभग 58 साल पहले की एक ऐसी ही दुर्घटना को दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी कि कितना खौफनाक रहा होगा वो मंजर जब उस ट्रेन में सवार सभी लोगों को समुद्र की उन ऊंची ऊंची लहरों ने निगल लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस खौफनाक एपिसोड को। ये घटना है 22 दिसंबर 1964 की, जब पंबन से धनुषकोडी के लिए चलने वाली ट्रेन नंबर 653 अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने की बजाय गहरे समुद्र में समा गई। हादसा ऐसी जगह और ऐसी स्थिति में हुआ था कि ट्रेन में सवार 115 यात्रियों में से किसी को भी अपनी जान बचाने का जरा सा भी मौका नहीं मिल पाया, और ये रेल हादसा अब तक की सभी रेल दुर्घटनाओं में से सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। तो चलिए चलते हैं अतीत में और देखते हैं कि कैसे 22 दिसंबर 1964 की वो भयानक काली रात उन 115 लोगों के जीवन की आखिरी रात बन गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धनुषकोडी के एक तरफ हिंद महासागर तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है। ये जगह रामेश्वरम से लगभग 25 किलोमीटर दूर पर स्थित है। धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच इकलौता गांव था। धनुषकोडी तमिलनाडु के पूर्वी तट पर श्रीलंका के पास एक ऐसी खूबसूरत जगह है जिसे देखने के लिए देश और विदेशों से लोग आते हैं। ये जगह हिंद महासागर से घिरी हुई है, इसलिए इसकी खूबसूरती और भी ज्यादा अनोखी दिखती है, और हमेशा से ही नीले नीले समुद्र के बीच एक खूबसूरत सी जगह लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। हिंदू धर्म के पुराणों में भी धनुषकोडी का जिक्र है, जिसका संबंध रामायण काल से बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि लंका तक जाने के लिए श्री राम की वानर सेना ने यहीं से सेतु बनाना प्रारंभ किया था। युद्ध में रावण का वध करने के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था, और तब लंकापति विभीषण ने भगवान श्री राम से कहा था कि वो समुद्र में बना हुआ लंका तक जाने वाला सेतु तोड़ दे, जिसके बाद श्री राम ने विभीषण की बात मानते हुए धनुष से सेतु के एक छोर को तोड़ दिया था, और तभी से इसका नाम धनुषकोडी पड़ गया था। इन्हीं सब मान्यताओं से और इस खूबसूरत जगह से आकर्षित होकर 115 लोग 20 ट्रेन में सवार होकर यहां आ रहे थे, और धनुषकोडी की खूबसूरती को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक भी थे। लेकिन किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि कुछ ही देर में ऐसी आफत आने वाली है जिसे पार करके कोई भी धनुषकोडी तक नहीं जा सकेगा। उस रात धनुषकोडी गांव वालों पर कुदरत का ऐसा कहर बरसा जिसकी बलि वो पूरा गांव चढ़ गया, और एक खूबसूरत जगह जहां पर लोगों की भीड़ बनी रहती थी वो आने वाले समय में हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो गई। ये घटना है उस समय की जब पंबन से धनुषकोडी के बीच एक डेली पैसेंजर गाड़ी चला करती थी। मौसम विभाग ने 17 तारीख को ही भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन किसी ने भी इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि समुद्री इलाकों में तो ऐसे छोटे मोटे तूफान आम बात है, इसलिए सभी ने इस तूफान को भी एक छोटा सा तूफान ही मान लिया था। लेकिन हुआ बिल्कुल वैसा ही जैसा कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी। 17 दिसंबर को समुद्र के ऊपर हवा का दबाव धीरे धीरे बनने लगा। शुरुआत में तो ये दबाव सिर्फ 45 किलोमीटर प्रति घंटे का था, जिसने धीरे धीरे 19 दिसंबर तक एक बड़े साइक्लोन का रूप ले लिया, और दो दिनों बाद यानी 21 दिसंबर तक इस साइक्लोन की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ते बढ़ते 250 से 350 मील प्रति घंटे की हो गई थी, जो कि वेस्ट डायरेक्शन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही थी। और आपको बता दें कि ये वही एरिया था जहां पंबन से लेकर धनुषकोडी तक रेलवे ट्रैक जाता था, और इस रेलवे ट्रैक पर कई गाड़ियां रोजाना गुजरती थी। पूरे एरिया में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी, और उस समय वहां जो स्टेशन मास्टर थे सुंदर राज, वो भी अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर के लिए निकल ही रहे थे। उसी रात लगभग 11:55 पर ट्रेन नंबर 653 पंबन से धनुषकोडी के लिए रवाना हो गई। इस ट्रेन में 115 यात्रियों में से 110 सामान्य पैसेंजर थे और 5 लोग रेलवे स्टाफ के थे। ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से पंबन स्टेशन से धनुषकोडी के लिए कुछ दूरी ही तय कर पाई थी कि समुद्र में साइक्लोन ने अपना भयंकर तांडव दिखाना शुरू कर दिया। ट्रेन अभी पंबन पुल पर कुछ ही दूरी आगे बढ़ी थी कि समुद्र से उठी लगभग 25 से 30 फीट ऊंची ऊंची लहरों ने इस ट्रेन को बहुत जोरदार टक्कर मारी, और देखते ही देखते 115 यात्रियों समेत ये भारी भरकम ट्रेन एक ही बार में सीधे समुद्र में जा गिरी। आपको बता दें कि एक ट्रेन का वजन 130 टन के आसपास होता है, और इतनी भारी ट्रेन को धक्का देना या रेलवे ट्रैक को तोड़ देना इतना आसान काम नहीं है। समुद्री तूफान में उठती तेज लहरों के आगे किसी का भी बस नहीं चल रहा था। बाकी इन लहरों ने जब ट्रेन को समुद्र में गिराया तो उसके अंदर बैठे लोगों के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि उस समय वहां चारों ओर आफत ही आफत छाई हुई थी। जो लोग दूर से हादसे को देख रहे थे उन्होंने बाद में बताया था कि ये ट्रेन पुल पर बहुत धीमी स्पीड से आगे बढ़ रही थी, और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों को देखते हुए रेल के ड्राइवर ने पुल पर कुछ देर के लिए ट्रेन को रोक कर भी रखा था। लेकिन अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि शायद खराब मौसम के चलते स्टेशन की तरफ से ट्रेन को रोकने का सिग्नल दिया गया होगा, लेकिन ड्राइवर तक ये सिग्नल पहुंच ही नहीं पाया और उसने ट्रेन को पुल पर आगे की ओर बढ़ा दिया, जिसकी वजह से हादसा हो गया और ट्रेन में सवार 115 लोगों के लिए मौसम ही मौत की वजह बन गई। 22 दिसंबर के इस तूफान की तबाही का अंदाजा इस उजड़े गांव से ही लगाया जा सकता है। तूफान के बाद वहां पर सब कुछ तहस नहस हो गया था। लोगों के घर उजड़ गए थे, ऊंचे ऊंचे पेड़ गिर गए थे, पालतू जानवर भी या तो मर गए थे या पानी में बह गए
थे। ऐसा बताया जाता है कि इस तूफान में लगभग 50,000 लोग मारे गए थे। इस भयंकर आपदा और तबाही के बाद किसी ने भी यहाँ दोबारा बसने की हिम्मत नहीं की। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इन सभी लोगों में से अकेला कालियमन नाम का एक व्यक्ति किसी तरह समुद्र की तूफानी लहरों से लड़ते हुए अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए और उसकी बहादुरी को देखते हुए राज्य सरकार ने गाँव का नाम उसी व्यक्ति के नाम पर कालियमन रखकर उसे सम्मानित किया था। हालांकि पंबन में एक नए पुल को बनाने का काम इस समय जोरों शोरों से चल रहा है और इसी साल 2022 में इस पुल के पूरे होने की उम्मीद भी नजर आ रही है, क्योंकि पुराना पुल जो कि अंग्रेजों के द्वारा साल 1914 में बनाया गया था वो काफी जर्जर हो चुका है और इससे पहले कि फिर से कोई बड़ा हादसा हो इस पुल को बनाकर इस पुल को बंद करना ही ठीक माना जा रहा है। अब बात करें अगर धनुषकोडी की तो 60 के दशक में ये जगह पर्यटन और तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो रही थी और आज के समय में तो ये दुनिया की सबसे अधिक खूबसूरत जगहों में से एक मानी जाती है। लेकिन ये गाँव पूरी तरह से जो तबाह हो चुका था वो आज तक भी वीरान है और यहाँ पर आने वाले लोगों को यहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का भी आभास होता है। ऐसा माना जाता है कि उस रात इस गांव के जितने भी लोग मरे थे वो सभी आत्मा के रूप में यहीं भटक रहे हैं और इसी गांव में घूमा करते हैं, क्योंकि जो भी इस गांव को देखने के लिए गया सभी को उनकी उपस्थिति का हल्का फुल्का एहसास तो जरूर हुआ है। दिन पर दिन ये भूतिया घटनाएं बढ़ती जा रही है और लोगों का ऐसा मानना है कि यहां पर आत्माओं का वास है, बस इसलिए यहां पर कोई भी इंसान बसना नहीं चाहता। यहां तक कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी इस जगह को हॉन्टेड घोषित करते हुए किसी के रहने के लिए भी अनफिट बताया है और इसलिए लोगों को यहां पर रहना लीगली बैन कर दिया गया है। इसके अलावा इस जगह पर घूमने आने वाले लोगों को यहां पर रात में रुकने की इजाजत नहीं है, बल्कि उन्हें शाम होने से पहले ही हर हाल में ये जगह छोड़कर जाना ही होता है। बहरहाल कई लोगों ने यहाँ पर रुकने का प्रयास भी किया था, लेकिन वो भी पूरी रात यहाँ पर रुक नहीं पाए और बाद में उन्होंने जो एक्सपीरियंस बताया वो काफी ज्यादा डरावना था। इस जगह की इतनी खौफनाक वारदातों की वजह से ही यहाँ पर कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन सोशल मीडिया में इसकी कहानियां सुन सुनकर लोग यहाँ आने के लिए इंटरेस्टेड होने लगे और अब काफी टूरिस्ट यहाँ पर आने लगे हैं। इस जगह की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए केंद्र सरकार भी इसे टूरिज्म से जोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन तमिलनाडु सरकार लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ऐसा करने से निरंतर पीछे हट रही है। ऐसा भी माना जाता है कि अंग्रेजों के समय में धनुषकोडी एक बड़ा शहर हुआ करता था और रामेश्वरम एक छोटे से गांव के रूप में जाना जाता था। उस समय यहां से श्रीलंका के लिए बहुत सारी नावें चला करती थी और इन नावों का किराया केवल 18 रुपए होता था। भारत और श्रीलंका के बीच आने जाने के लिए ये समुद्री नावें सबसे बढ़िया साधन थी और श्रीलंका जाने के लिए किसी भी तरह के वीजा या पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं होती थी, इसलिए व्यापारिक दृष्टि से भी इस जगह का काफी महत्व था। 1897 में जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका से होते हुए श्रीलंका के समुद्री रास्ते से भारत आए थे तब उन्हें धनुषकोडी बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। एक भूतिया गांव बनने से पहले धनुषकोडी में सारी सुविधाएं मौजूद थी। यहां पर हॉस्पिटल, स्कूल, पोस्ट ऑफिस और कई छोटे बड़े सरकारी ऑफिसेज भी मौजूद थे, लेकिन आज यहां सिवाय रेत के कुछ भी नहीं है। चारों तरफ मीलों दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी बस रेत ही रेत या खंडर नजर आते हैं। दुर्घटना के काफी साल बाद धनुषकोडी बस स्टैंड के पास इस घटना में मरे हुए लोगों की याद में एक स्मारक भी बनाया गया है ताकि उन लोगों की आत्मा को शांति मिल सके, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, इस घटना से एक सबक जरूर मिलता है कि हमें कभी भी किसी की चेतावनी को यूं ही हल्के में ना लेकर गंभीरता से लेना चाहिए। अगर आप कभी धनुषकोडी गए हैं तो आपको ये जगह कैसी लगी और वहां पर आपने क्या महसूस किया हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।